डियर स्टूडेंट्स, चलिए आप लोग चलते हैं क्लास 12 के लिए। हम लोग सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग केमिस्ट्री में ईथर के आईयूपीएसी नाम को पिछले क्लास में सीखा था और साथ ही साथ किण्वन के बारे में भी पढ़ा था कि किण्वन क्या होता है। ठीक है, तो किसी न किसी जीव द्वारा एक दूसरे रूपों में परिवर्तित कर देता है कार्बनिक के यौगिकों को, जिसको हम लोग किण्वन कहते हैं। यानी कि पिछले क्लास में हम लोग ईथर से जुड़ा हुआ आईयूपीएसी नाम को किए और किण्वन के बारे में समझे। चलिए हम लोग अब टॉपिक्स वाइज अलग अलग यौगिक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि आखिर वो यौगिक क्या है, उसका अणुसूत्र क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसका अभिक्रिया क्या होता है, तो सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाए अल्कोहल के बारे में। ठीक है, टॉपिक क्या बनाएंगे? अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल हम लोगों का टॉपिक। दोस्तों, इस अल्कोहल को एथिल अल्कोहल भी बोला जाता है। एथिल अल्कोहल भी बोला जाता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं और अल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो अल्कोहल या एथिल अल्कोहल टॉपिक्स बनाया जाए, लिखा जाए। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे अणुसूत्र। अणुसूत्र क्या होता है? तो एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अल्कोहल के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट हम लोग क्या देखें, इसके अणुसूत्र के बारे में कि इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका जो अणुसूत्र होता है वो C2H5OH होता है। ठीक है, C2H5OH। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं अणुसूत्र के दूसरा में निर्माण के बारे में। ठीक है, निर्माण के बारे में। अब निर्माण का मतलब क्या है कि एथिल अल्कोहल कैसे बनता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का जो निर्माण होता है वो सिचुएशन, इसका पहला तरीका, दूसरा तरीका, यानी कि जो हम लोगों का तरीका होना चाहिए, यानी कि एथिल अल्कोहल जो बनता है, यानी कि उसका निर्माण जो होता है, उस निर्माण के बारे में हम लोग दूसरा टॉपिक्स बनाए हुए हैं। और इस टॉपिक्स में, इस निर्माण के टॉपिक्स में, इसका निर्माण अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो निर्माण का ए लिखेंगे, यानी कि इसके वजह से भी एथिल अल्कोहल बनता है, फिर दूसरा वाला से भी हम लोग एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। तो ए वाला में लिखा जाए, जब एथिल हैलाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। चलिए, पहला हम लोग का सिचुएशन क्या था कि जब एथिल हैलाइड को, दोस्तों पहला क्या बोला कि जब एथिल हैलाइड को जब हम लोग सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ध्यान दीजिए ए में जो बात लिखे उसके लिए पहले हम लोग रूल्स को सीखेंगे। तो इसके लिए रूल्स क्या दिया, इसके लिए जो रूल्स हम लोगों को मिला वो ये कि एथिल हैलाइड, तो एथिल हैलाइड का फॉर्मूला C2H5X, इसी का नाम हो गया हम लोगों को एथिल हैलाइड। ठीक है, और जब इसका रिएक्शन किसके साथ किया जाए, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। दोस्तों, तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड का मतलब
AgOH, इसका ये किसका फार्मूला हो गया, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हम लोगों को जो बनेगा वो अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, यानी कि यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया, OH यहां जुड़ गया तो AgX बाहर हो जाएगा, इसको सिल्वर हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों का एक उत्पाद या एक प्रतिफल अल्कोहल बनता है। अब जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर मान लिया C2H5Cl है, क्योंकि X तो हैलोजन होता है, अब X के जगह पे हम लोग कुछ भी जोड़ सकते हैं, Cl जोड़ दिया प्लस AgOH, ये क्या गिव्स देता है हमें, तो अल्कोहल, तो C2H5OH, और बाहर क्या होगा तो Ag के साथ Cl बाहर हो जाएगा, तो ये हम लोगों का प्रोडक्ट बनेगा। तो दोस्तों ये चीजें आपको जहन में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी भी एथिल हैलाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं अल्कोहल बनता है, ठीक है। अब जरा इसका एग्जांपल नंबर टू पे लिखा जाए, अगर मान लिया C2H5 आयोडीन है, ये एथिल हैलाइड है C2H5I प्लस AgOH, हमेशा देखिए पहला तरीका क्या सीखे हम लोग अभी सीख रहे हैं कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड और एथिल हैलाइड आपस में अभिक्रिया करके भी अल्कोहल बनाते हैं। निर्माण हम लोगों को दो तरीके के सीखना है, पहला तरह से भी हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं, तो ये बन गया अल्कोहल और बाहर हो गया सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। तो आप इन चीजों को लिख लीजिए। अब हम लोग बी नंबर में लिखेंगे, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो दो तरीके से होता है, पहला तरीका याद रखना होगा, कोई पूछ दिया या फिर एग्जाम में आ गया कि आप अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे, तो दोनों निर्माण में से कोई सा भी हम लोग एक तरीका को लिख सकते हैं, ठीक है, किसी एक तरीके को लिखना है और इसमें से जो आपको याद रहेगा तो लिख सकते हैं। तो बी नंबर में से हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं, अल्कोहल कैसे बनाते हैं, लिखा जाए बी नंबर, बी नंबर में लिखा जाए, जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। चलिए अब दूसरा में हम लोग क्या लिखें, दूसरा में लिखें कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, दोस्तों अल्कोहल का जो निर्माण करना है ना, तो ये पहला से भी निर्माण कर सकते हैं, पहला तरीका क्या था कि एथिल हैलाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करो आपको अल्कोहल मिल जाएगा, मतलब एथिल अल्कोहल। फिर दूसरा तरीका क्या सीखे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बनता है देख लेते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, तो जो अभी हम लोग अभिक्रिया लिखे ना उसके नीचे लिख लेना है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का मतलब होता है C2H5HSO4, इसका पूरा का नाम देखो, फार्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जैसे जल, जल का फार्मूला आपको याद है शुरू से ही H2O, क्यों, क्योंकि ये बार बार प्रैक्टिस होता है दोस्तों, किसी भी चीज को बार बार प्रैक्टिस करने से वो चीज ऑटोमेटिक याद हो जाती है, आपको याद रखना है। जैसे C2H5HSO4 इसका मतलब क्या हुआ, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को किसके साथ रिएक्शन कराना है दोस्तों, OH के जल के साथ, जल मतलब H2O के साथ अगर कराते हैं, फिर भी आपको बनेगा यहां पे
अल्कोहल C2H5OH, ये हम लोगों का अल्कोहल बन गया अल्कोहल, और बाद बाकी क्या बाहर हो गया, तो C2H5 तो ऑलरेडी था, और यहां से H2O में से OH जो है यूज हो गया, तो एक हाइड्रोजन यहां से इसके साथ जुड़ जाएगा और यहां से H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल बाहर हो जाएगा, हम लोगों को एक प्रतिफल के रूप में अल्कोहल मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं अभी अल्कोहल टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, और अल्कोहल का अणुसूत्र देखें, अल्कोहल का निर्माण दो तरीके से होता है, आप कोई भी एक तरीका याद रखेंगे कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं दो गुण दो चीज इसके बारे में पढ़ें, एथिल अल्कोहल के बारे में दो चीज, एक अणुसूत्र और दूसरा इसका निर्माण कैसे होता है यानी बनता कैसे है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट में आएंगे गुण के बारे में, किसका गुण, तो एथिल अल्कोहल का कुछ गुण है, कुछ प्रॉपर्टीज है, उसका भी कुछ गुण है, तो उसके नीचे एरो, तो उसके बगल में एरो देंगे, लिखेंगे एथिल अल्कोहल के निम्नलिखित गुण है, एथिल अल्कोहल के निम्नलिखित गुण है, पहला अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है, अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है, दूसरा इसमें एक विशेष प्रकार की मीठी गंध होती है, इसमें एक विशेष प्रकार की मीठी गंध होती है, तीसरा में लिखिए इसे अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर विषैला होता है। चलिए पहला जो है अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है, ये आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल क्या है, तो एक रंगहीन द्रव है। आपको हम एक चीज आइडिया दे देते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना भी होते हैं उस ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, वो रंगहीन ही होते हैं। रंगहीन का मतलब जिनका कोई कलर नहीं होता है, जैसे वाटर आप पीते हो, जल पीते हो, जल पानी, पानी का कोई कलर नहीं, दैट इज अ डिसकलर, वैसे ही आपको अधिकांश मतलब 99% कार्बनिक यौगिक में जो आपको लिक्विड मिलेंगे, जो आपको यौगिक मिलेंगे वो रंगहीन ही होते हैं, मान लो। तो एक आइडिया तो पक्का है, किसी के बारे में कुछ भी लिखने के लिए बोल सकता है, आपको 90% केस में सही होने का चांस रहता है, वो रंगहीन ही होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट में क्या लिखे कि रंगहीन होता है, ठीक है, दूसरा कि अल्कोहल में एक विशेष प्रकार की मीठी गंध होती है, यानी कि ना मात्र का एक शर्करा का मात्रा होता है, थोड़ा सा मात्रा मीठापन का भी पाया जाता है दोस्तों। और दूसरी बात, तीसरी गुण क्या है कि इसका अत्यधिक आप यूज करते हैं तो यह विषैला भी होता है, और इसका उपयोग जरा बात कर ले तो दारू ताड़ी में भी अल्कोहल का मात्रा हो जाता है, वही नहीं हम लोग कफ सिरप यूज करते हैं उसमें भी अल्कोहल का मात्रा होता है, तो ऐसा नहीं है, इसका उपयोग भी है, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं ना अति किसी चीज का बुरा होता है, अति किसी चीज का बुरा होता है, अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते तो दिक्कत है, वरना मेरे में अच्छाई है तो बुराई भी है, और हम अगर बुरे हैं तो मेरी में कुछ तो अच्छाइयां होगी, कुछ तो कितने भी बुरे लोग होंगे उसके भी तो कोई दोस्त होंगे, उसको भी याद करने वाले होंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि आप चीजों को समझो कि अल्कोहल का गुण क्या है, रंगहीन होता है, दूसरी कि इसमें एक ना मात्र मिठापन पाया जाता है
और इसका अगर अत्यधिक यूज किया जाए वह विषैला भी बन सकता है, जहरीला भी बन सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, मतलब चौथा पॉइंट। इस तीसरा में गुण था, अब हम लोग चौथे पॉइंट पे आते हैं, उपयोग के बारे में लिखते हैं। तो चौथा पॉइंट है उपयोग। ठीक है, चौथा पॉइंट उपयोग। तो चलिए उपयोग में लिखा जाए, अल्कोहल के उपयोग, अल्कोहल के उपयोग निम्नलिखित है, पहला कफ सिरप में, दूसरा कफ सिरप के बाद लिखिएगा दूसरा शराब में तीसरा लिखेंगे टॉनिक में। तो आप देख पा रहे होंगे कि अल्कोहल का हम लोग इस्तेमाल या उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ज्यादातर आप शराब सुने ही होंगे कि अल्कोहल होता है उसमें। ठीक है, और दूसरी बात कि टॉनिक, जो टॉनिक होता है ना मेडिसिन में यूज किया जाता है, दवाइयों में, जैसे आप कफ सिरप भी लिख सकते हैं। जो आप कफ का, जैसे खांसी का जो सिरप आता है ना, उसमें अभी अल्कोहल का मात्रा होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है, उतना ही मात्रा में होता है जितना मात्रा में हम लोगों को उसका जरूरत होता है। ठीक है, तो ये तीन उपयोग था, दो तीन उपयोग। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके अभिक्रिया के बारे में। तो अब हम लोग चौथा के बाद लिखेंगे पांचवा पॉइंट, अभिक्रिया। पांचवा पॉइंट क्या? अभिक्रिया। अब अभिक्रिया जो है किसका अभिक्रिया भाई? तो अब एथिल अल्कोहल फिक्स रहने वाला है, अब जितना भी अभिक्रिया करेंगे एथिल अल्कोहल फिक्स रहेगा, उसको हम लोग बदल बदल के अभिक्रिया सीखेंगे कि अगर किसी और के साथ कराएंगे तो उसका कैसा बनेगा, किसी दूसरे के साथ करेंगे तब कैसा बनेगा, किसी तीसरे के साथ करेंगे किसका, एथिल अल्कोहल का ही। मैंने एक तरफ मेरा फिक्स है एथिल अल्कोहल और दूसरी तरफ हम लोग उसको चेंज करेंगे, तो हम लोग उसका रिएक्शन देखेंगे। तो पांचवा जो अभिक्रिया है इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया भी तरह तरह के होंगे। तो पहला लिखेंगे सबसे वन सोडियम धातु के साथ। सोडियम को सूचित किससे करते हैं? Na धातु के साथ। यानी कि कुल मिलाकर हम देखना चाह रहे हैं तो अभिक्रिया तो रहेगा, किसका अभिक्रिया? तो अल्कोहल का। ठीक है, अल्कोहल के साथ किसको कराएंगे हम लोग? सोडियम को। तो यहां पे अब इसके नीचे एरो देंगे, इसके नीचे ए के नीचे लिखा जाए जब एथिल अल्कोहल को, जब एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम एथॉक्साइड, ध्यान दीजिएगा, सोडियम एथॉक्साइड इसका फार्मूला C2H5OMa होता है। ठीक है, बहुत सारे फार्मूला हम लोगों को सीखने के लिए मिलेगा, नो डाउट्स, लेकिन आपको हर फार्मूला को नोट करते चले जाना है। क्या लिखे? जब अल्कोहल को या फिर एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो
सोडियम मेथॉक्साइड का फॉर्मूला C2H5OH C2H5OH का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, ठीक है। और फिर उसके नीचे नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे इसे वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है, इसे वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है, इसे वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग ये वुड्स अभिक्रिया के बारे में पहले ही सीख चुके हैं कि वुड्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, सोडियम धातु, कौन सा धातु भाई, सोडियम धातु। चलिए अब इसका हम लोग रिएक्शन को देख लेते हैं कि पहला हम लोगों को सोडियम धातु के साथ कराने पे सोडियम एथोक्साइड कैसे बनता है और इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं अल्कोहल को, तो अल्कोहल मतलब C2H5OH, जब अल्कोहल को किसके साथ अभिक्रिया कराना है भाई, सोडियम धातु के साथ, क्या बनने वाला है, तो C2H5ONA, दैट इज सबका नाम, दैट इज अल्कोहल, ये क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। और ये अल्कोहल सोडियम, सोडियम एथोक्साइड, अभी फॉर्मूला पढ़े आप उसके नीचे नाम भी लिख सकते हैं कि ये सोडियम एथोक्साइड है, ये सोडियम एथोक्साइड है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला C2H5ONA मिला, ठीक है। अब इसके साथ कुछ बाहर भी होगा, देख लेते हैं थोड़ा सा, कार्बन दो है, कार्बन दो है, हाइड्रोजन पांच है, हाइड्रोजन तो पांच है भाई, नहीं इधर तो छह है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, H2 कर देते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, चार है, तो यहां से टू से मल्टीपल और यहां से भी टू से मल्टीपल, संतुलित करने चाह रहे हैं, तो यहां पे अब कार्बन कितना हो गया, और कार्बन हो गया हम लोगों का फोर, ठीक है। तो यहां पे भी दो से गुणा कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, कार्बन का हो गया चार, यहां पे भी कार्बन चार, हाइड्रोजन कितना, तो पांच दुना का दस और दो बारह, यहां पे भी पांच दुना का दस और दो बारह, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो दो ऑक्सीजन, तो यहां पर भी दो ऑक्सीजन, दो सोडियम, तो यहाँ पर भी दो सोडियम, तो हम लोगों का ये संतुलित समीकरण। हम लोग इसलिए संतुलित करते हैं क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत से पता चलता है कि अभिकारक का जो भी द्रव्यमान होता है उसका न तो विनाश होता है और न ही सृजन होता है, नहीं बनता है और न ही वो नष्ट होता है, इसलिए अब लोग हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, ऐसा आप 10th क्लास में भी सीखे होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको संतुलित कर दिया, तो ये पहला सिचुएशन था कि अल्कोहल को हम लोग किसके साथ कराए, सोडियम धातु के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे यानी कि बी नंबर में, इसमें लिखा जाए बी नंबर में हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराने वाले हैं, तो बी में क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला पता है, CH3COOH होता है, CH3COOH के साथ, ठीक है। दूसरा में हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3COOH, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे इसके नीचे एरो देकर कि जब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो जब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एथिल एसीटेट का निर्माण होता है, एथिल एसीटेट का फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पे एथिल एसीटेट का यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, CH3COOC2H5, देखिए यही है हम लोगों का एथिल एसीटेट,
ब्रैकेट में लिख दीजिए, शुरू से बोल देते हैं, जब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एथिल एसीटेट फॉर्मूला CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट इसको बोलते हैं का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। चलिए देख लेते हैं बी वाला का अभिक्रिया, हमेशा उसके नीचे ये वाला समीकरण जरूर लिखा कीजिए किसी भी अभिक्रिया के लिखने के बाद। तो बी नंबर में हम लोग को कैसा बन रहा है, किसी भी अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, इस बार किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, यानी कि ये सिचुएशन हम लोगों का फिक्स रहने वाला है, यहां चीजें बदल रही है, पहले में हम लोग सोडियम धातु के साथ करवाए कुछ और बना, अब की बार हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल रख रहे हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला तो पता होगा CH3COOH, इसके साथ करा रहे हैं तो हम लोग को क्या बन रहा है, इसके साथ एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट उसका फार्मूला क्या भाई, तो एथिल एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COOC2H5, दैट इज क्या है ये एथिल एसीटेट और प्लस में वाटर जो है अवक्षेप के रूप में बाहर निकलता है, मेन प्रोडक्ट, मेन प्रतिफल, मेन उत्पाद हम लोगों को क्या बनता है एथिल एसीटेट, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला अभिक्रिया देखते हैं, अगला अभिक्रिया सी है, हैलोजन अम्ल के साथ, हैलोजन अम्ल, अब हैलोजन अम्ल किसको कहते हैं, हैलोजन अम्ल का मतलब होता है H तो रहेगा ही रहेगा, X बदलेगा, X का मतलब फिर कल बाहर आएंगे आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आइसोटाइन के साथ, के साथ, ठीक है। हैलोजन अम्ल HX के साथ, ठीक है, हैलोजन अम्ल HX के साथ लिखा जाए, उसके नीचे एरो देकर, जब अल्कोहल को, जब अल्कोहल को हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एथिल हैलाइड, का निर्माण होता है, एथिल हैलाइड का निर्माण होता है। चलिए अब जरा हम लोग देखते हैं सी वाले में क्या बोला गया, तो हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना है दोस्तों, किसका, तो एथिल अल्कोहल को, या फिर सिर्फ हम अल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो इस बार हम लोग सी में क्या लिखे, तो इसका कुछ रूल्स है, क्या रूल्स है कि अगर हम लोगों का अल्कोहल, अल्कोहल तो फिक्स है C2H5OH, अगर उसको हैलोजन अम्ल, हैलोजन अम्ल किसको कहते हैं, तो HX को कहते हैं, HX, X का मतलब फ्लोरीन जुड़ सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी, तो यहां पे हम लोगों को जो बनेगा एथिल हैलाइड बनेगा, एथिल हैलाइड का मतलब C2H5, और जो यहाँ X रहेगा वही X जुड़ जाएगा और यहाँ OH और H मिलकर बाहर हो जाएगा H2, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं हैलोजन अम्ल। जरा इस पे एग्जांपल देख लेते हैं, अगर फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, अगर दोस्त अल्कोहल ही रहा, अल्कोहल को हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अगर यहाँ अल्कोहल तो हम लोगों का फिक्स है, अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड रहा, अगर यहाँ पे C2H5OH रहा और यहाँ पे हाइड्रोजन
आयोडाइड रहा तो हम लोगों को क्या क्या रिएक्शन मिलेगा वो हम लोग खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स के जगह पे इस्तेमाल किया गया क्लोरीन है, तो यहाँ पे हो जाएगा एथिल क्लोराइड C2H5Cl, तो एथिल हो गया इसका नाम और क्लोराइड प्लस वाटर। वैसे ही यहाँ बन जाएगा एथिल के साथ Br, एथिल ब्रोमाइड प्लस वाटर, एथिल के साथ आयोडीन, एथिल आयोडाइड C2H5I प्लस H2। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी कर देंगे तो और बेहतर है। फिलहाल हम लोग आगे पढ़ते हैं चौथे अभिक्रिया की तरफ। क्या होता है चौथा अभिक्रिया? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ये सी हुआ ना, अब हम लोग आते हैं डी पे। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 के साथ। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? H2SO4 के साथ। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला जैसा जब होता है H2SO4 लिखा जाए इसके नीचे, जब अल्कोहल को ठीक है अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का फार्मूला एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का होता है, अभी अभी बताया C2H5HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। जरा देख लेते हैं इसका अभिक्रिया के कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करेंगे तो क्या बनेगा। सवाल बोला कि अल्कोहल मतलब C2H5OH, और हम लोग किसका अभिक्रिया इसके साथ देखना है तो सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 क्या बनता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, तो एथिल का C2H5 हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 और प्लस यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि C2H5 HSO4, तो यहाँ पे हम लोगों को वाटर बाहर हो गया, तो ये आप रिएक्शन लिख सकते हैं, ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो दोस्तों अभिक्रिया में हम लोगों ने डी अभी तक क्रिया तक किया है, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में और भी इसका अभिक्रिया है तो उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।